राती करसा कि 9:30 बजे पहुंचना काफ़ी लेट थी गया। बहरहाल कोशिश मेरी यो सी कि सारा कठिन तो मैं बार बार पुछते बैठा जो बंद शौकीन हैं बैठा या नहीं बैठा एक खास मकसद है। देखो जिस तरह असा अपने जानवर पलेंदे बैठे हाँ या सादा जो निज़ाम चलता पाया जिस तरह साधा ना रवायती तरीके ये रवायती तरीके सारे चलते रहते हैं तो असा काफ़ी सारा उस रवायती तरीके नुकसान करने बैठे हैं। तो चीज़ा असा थोड़ी बेहतर कीतियाँ था तो उस कोई ज़्यादा असान खर्चा ही करना ना उसी सिर्फ कुछ चीज़ा बेहतर करने सारी मुनाफा ज़्यादा हो सकता सारे नुकसान कम हो सकते। अज उ चीज़ा मैं थोड़े जहन से पाने बैठे हाँ अगर तुम समझ गए सो तो बेहतर हो सी और उससे काम करे सो तो मजीद अच्छा हो सी। सब तो पहले जरा मैं अज चीज़ तो शेयर करनी वो ये कि मैं गां असा यह आखद हाँ कि यह दुध वाली फैक्ट्री है। गां का काम है कि दुध देव चार पाँच ऐसा कि चीज़ा हैं कि असा अगर वो कर गए तो ये जी दुध वाली फैक्ट्री है इस तो असं बेहतरीन दुध गिन सकते हैं ज़्यादा तो ज़्यादा दुध पैदावार गिन सकते हैं। पहला काम है कि जानवर जरा ना इस तो आज़ादी दे भुख तो प्यास तो ना उसको खुराक का मसला हो ना उस प्यास लगे ना उस पानी का मसला हो अच्छी खुराक उसकी जरूरत के मुताबिक और पानी साफ सुथरा पानी उसकी 24 घंटे उस वास्ते फ्री हो जिस टाइम मर्जी आपके पीवे ये पहला पॉइंट करके तो यह तो एक स्टेप हो गया। इस तो अगला जड़ा है वो है दूसरी चीज़ ये कि उसनों तुसा दर्द तो निजात दे तकलीफ उस ना हो मिसाल दे कोई चोट लगती है उन दर्द आंदा कोई उसका जख्म है या कोई बीमारी है उसकी सेहत तो यकीनी बनाओ चा। तीसरी चीज़ ये आवे सी कि उसनों तुसा जी डिसकंफर्ट ना हो ऐसा होता डिसकंफर्ट ना हो जी उस जगह पर उस बैठना जगह बेहतरीन हो नरम हो ना हो कि उच्ची जाए सख्त जाए जितों जानवर ना बह सकता ना खड़ सकता उस तो अलावा ये ना हो कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ज़्यादा ठंड हो जिस किस्म का उस मुनासिब टेंपरेचर ना सकते हैं उस मिलता रहे गर्मी तो बचावना सर्दी तो बचावना ये चीज़ कर दस। इस तो अलावा जो चौथा असा पॉइंट आते हैं या चौथी गल आते हैं वह है कि उस खौफ तो आज़ाद च करो परेशान न करो जानवर वो इस तरह तीजी कि जानवर ये तुसा अगर कोई शौक वाले बैठे जानवर जल्द उसने पट्ठे पहनते हो उसके हाथ फेरें हो उस मन लगते हो छोड़न लगते हो दुध कदन लगते हो थोड़ा जहाँ अगर उस प्यार कर जानवर उसका जवाब देता अगर तुस कोई उस मरेंदा चमकी मरेंदा या उसके करीब ही नहीं वेंदा उस जानवर तो डरदा सवाल ही नहीं पैदा होता कि उस जानवर उस अगर मिल्किंग ते वेंदा या मिल्किंग दौरान वो बंदा सामने मौजूद हो उस जानवर दुध को ना दस जेड़े नाल ज़्यादा मानूस है उस टाइम उस दुध देना ये चार चीज़ा करे सो जानवर की नस्ल अच्छी है तो अपनी सलाहियत के मुताबिक बेहतरीन दुध दस गल करवाते तो सौ चार गल् लेकिन इन्हें प्रैक्टिकल करा हूँ तो जनाब रहा काम है। इस तू जी अगली चीज़ अस आखते हैं कि सन कम अज कम जमींदार हाँ एक सारा काम है सन शौक भी ही असा बैठे हाँ सन जानवरों की कुछ खसूसियात का पता होना चाहिए कि यह जानवर दुध देने वाला और यह जानवर दुध देने वाला नहीं क्योंकि जिस टाइम असा जानवर देते बैठा आम तौर पर सारे को गलती होती कि किसी नहीं कुछ ज़्यादा उस दिलचस्पी नहीं होती अगर ये क्रास है उन्हों का सब तो पहले असं उन्हें जानवरों का दे दें कद कद कितना हूँ सारी साहीवाल है 120 सेंटीमीटर जमीन तो गिनो जोड़ा इतने शोल्डर जहाँ बनता वह दरम्यान कोई अगर पैमाइश च गिने तो उसका जोड़ा कद बनता वो 120 सेंटीमीटर बनता जर्सी दही तकरीबन इतना
फ्रीजर का थोड़ा ज्यादा बन 136 सेंटीमीटर कद बन सी। फिर उसकी जो अगलिया टंगा खुलिया होनी चाहिए, जितनिया खुलिया होते हैं मतलब एक जो फेफड़े उतने खुले बड़े साइज के और दिल एक जगह मिल गई वो दूध लिया जानवर उस। फिर वो पिछे आओ जो जिते पूछल शुरू आते हैं वो जो हड्डिया उन्होंने थोड़े फासले तो होना चाहिए टोले वाली हड्डिया वो जितनी होते हैं तो वो अच्छी नस्ल की निशानी हैवाना तो आप समझे सो चडा उसका जितना अच्छा ही दोनों आप पता हो थान कितने 5 सेंटीमीटर कम अज कम होने चाहिए उन्होंने लंबाई। ये बुनियादी चीज़ा जिस तू अस ये अंदाजा कर सकते हैं कि यह जानवर दूध देने वाला है भी सही कि नहीं, क्योंकि जी मैं तुम पहले ही दसा कि असा इन्हें दूध वाली फैक्ट्री फैक्ट्री का मतलब ये कि जितनी तुसा उसने क्वांटिटी खुराक दी दिती जेड़ी क्वालिटी दी दिती जेड़े म्यार दी दिती उस दे मुताबिक वो अपनी नस्ल के हिसाब नाल उस अगे दूध देवन। फैक्ट्री का तो काम है ना जैसे उस पैसे उतनी उस वर्षे काट के देवनी अच्छी खुराक पैंदे पे तो सही पैंदे पे पूरी पैंदे पे उसी उन्यार उस हिसाब नाल दूध देवन। हुण मैं शुरू तो ना कह के असा नुकसान करने बैठे हाँ, मैं ये सारिया चीज़ा उस थोड़े करके समझा सा कि खुराक की गल करें।